गंगोत्री यमुनोत्री धाम की यात्रा पर उत्तरकाशी में कई यात्री ऐसे पहुंच रहे हैं जिनका या तो पंजीकरण नहीं है या फिर वो अपनी यात्रा के समय से पहले ही पहुंच गए हैं। चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। अभी भी कई यात्री बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रा पर आ रहे हैं जिन्हें उत्तरकाशी के बड़कोट पे रोका जा रहा है। वहीं यात्री सड़क के किनारे अपना डेरा डाल रहे हैं जो पुलिस के लिए भी सिरदर्द बना हुआ है। बिना रजिस्ट्रेशन के पहुंच रहे यात्री गंगोत्री यमुनोत्री जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन बिना पंजीकरण वाले यात्रियों को आगे नहीं भेजा जा रहा। इसके साथ ही कई लोग यात्रा के लिए मिले समय से पहले ही पहुँचने लगे हैं। पुलिस ऐसे यात्रियों को भी आगे जाने से रोक रही है ताकि धामों में व्यवस्था न बिगड़े। मेरा नाम राजेंद्र सूर्यवंशी, हम महाराष्ट्र से पुणे से आए ले, यहाँ पे हमें आगे छोड़ नहीं रहे। किस तरह की परेशानी, क्यों रोक रहे हैं आपको? वो डेट जो है वो बोलते हैं अगले महीने की, और ये रिसीट पे दिखा है ये आज की डेट है। हम नेपाल से आए हैं, विराटनगर शहर से, और यहाँ हम चारों धाम करने के लिए आए हैं। डेट के चलते हम लोग यहाँ नहीं जा पा रहे हैं यहाँ पर, और ये हम लोग अभी खर्चा पानी में भी अब समस्या होने जा रही है। बहुत मुश्किल वाला बात है। अब हम लोग चाहते कि किसी तरह हम लोग को ये दर्शन करा दे। मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, और अब जब हमने रजिस्ट्रेशन किया था, रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमको 16/5/2024 से तो लेके 29/5/2024 तक की डेट दी। तो आज यहाँ आने के बाद मैडम का कहना ऐसा है कि तुम यहाँ आज नहीं आ सकते। वहीं कुछ यात्री सड़क पर ही डेरा डाले हुए हैं और दोनों धामों की यात्रा करने की मांग कर रहे हैं, जिसके चलते उत्तरकाशी पुलिस को भी करनी पड़ रही है। पुलिस लगातार बिना रजिस्ट्रेशन और समय से पहले यात्रा पर न आने की अपील कर रही है। चार धाम यात्रा अपने चरम पर है, और श्री गंगोत्री एवं यमुनोत्री धाम जो है वो हाई ऑल्टीट्यूड पर क्षेत्र पर स्थित है। यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति इस तरह की नहीं है कि हम जो है असीमित संख्या में यहाँ पर यात्रियों को भेज दें, इसलिए यहाँ पे जो है सीमित संख्या का नीति निर्धारित की गई है। अत्यधिक मात्रा में श्रद्धालुओं को भेजा जाना संभव नहीं है। चार धाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन को लेकर कई यात्रियों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। वहीं सवाल इस बात का भी है कि आखिर जिनका रजिस्ट्रेशन मई लास्ट और जून का है तो उन्हें हरिद्वार और देहरादून में प्रशासन क्यों नहीं रोक रहा। उत्तरकाशी से न्यूज 18 के लिए बलबीर परमार की रिपोर्ट। और इसी के साथ ही खबर असरदार में इतना ही।